दीदी ने बोला दिल्ली के जंतर मंतर पे हल्ला और इसका असर कांग्रेस और यूपीए सरकार दोनों पे नजर आया। झारखंड विकास मोर्चा ने जहां यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, वहीं कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो एफडीआई के फायदे बताने के लिए रामलीला मैदान का 28 अक्टूबर को रुख करेंगे। नतीजा साफ है कि ममता का असर दिखने लगा है। साथ ही दीदी ने ये भी साफ कर दिया कि वो शरद यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। ममता ने अपना भाषण दिल्ली में दिया। नतीजा साफ है कि अगले साल होने वाले दिल्ली में चुनाव और आम चुनाव से पहले टीएमसी उत्तर भारत में अपना कद बढ़ाना चाहती है, लेकिन ये खाली कुर्सियां ये दिखाने के लिए काफी है कि बंगाली बाला का असर राजधानी की राजनीति में अभी उतना नहीं और दीदी के लिए अभी भी दिल्ली दूर है। लैकपेट घोटाले में रोज नए नामों का खुलासा हो रहा है और इससे बीएसपी सरकार के मंत्री घिरते नजर आ रहे हैं। नया नाम पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं के नाम सामने आए हैं। दरअसल जांच एजेंसी ने लैकपेट के पूर्व अध्यक्ष सुशील कटियार के पीआरओ प्रवीण सिंह से पूछताछ की, जिसमें उसने कई दिग्गज नेताओं के नाम के साथ साथ कई राज खोले। जानकारी के मुताबिक प्रवीण सिंह ने बीएसपी सरकार के हैवीवेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, बादशाह सिंह, चौधरी लक्ष्मी नारायण, सदर प्रसाद, अवध पाल यादव, रंगनाथ मिश्रा और अनीस अहमद का नाम लिया। प्रवीण सिंह ने बताया कि मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के निजी सचिव सीएल वर्मा भी पैसों के लेन देन में बंदरबाट किया करते थे। देहरादून में बुजुर्ग की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक का नाम अजय प्रकाश बताया जा रहा है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोगों का कहना है कि अजय प्रकाश का उसी के दामाद से जमीनी विवाद के चलते अक्सर झगड़ा होता था। वहीं पुलिस का कहना है कि अजय की हत्या हुई है या स्वास्थ्य खराब होने के चलते उसकी मौत हुई है। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद होगा। बस्ती के रौतापुर इलाके में बिजली फीटर में आग लगने से मची हड़कंप। आग लगने से फीटर जलकर पूरी तरह राख हुआ। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फीटर में आग लगने के बाद आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। वहीं बिजली की बदहाली से परेशान होकर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। अब खत्म हो जाए, काम खत्म हो जाए। अब तलवा जर के खत्म हो जाए, काम खत्म हो जाए। काशीपुर में एक फैक्ट्री में आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने के बाद दमकल की एक दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर जा पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है इस फैक्ट्री में प्लास्टिक का बैग तैयार किया जा रहा था। हादसे के वक्त 2000 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे, जिसके बाद आनन फानन में सभी को बाहर निकाला गया। अहम बात तो यह है कि फैक्ट्री में आग पर काबू पाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं थे, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इलाहाबाद में आज डीएम ऑफिस पर जमकर हंगामा और मारपीट हुई। ड्यूटी के बदले पैसा वसूले जाने से नाराज होमगार्डों ने अपने प्लाटून कमांडर को जमकर पीटा। इन होमगार्डों ने पहले तो प्लाटून कमांडर और ड्यूटी इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़कर उनको शहर की सड़कों पर घुमाया। उसके बाद डीएम ऑफिस पर पहुंचकर दोनों की सरेआम जमकर पिटाई की। होमगार्ड अफसरों की पिटाई होने पर वहां मौजूद वकीलों ने उन्हें छोड़वाना चाहा, तो होमगार्डों ने अपने ऑफिसर्स को छोड़ने से मना कर दिया।
तो वकीलों ने होमगार्डों को घेर कर उनकी पिटाई शुरू कर दी। देर तक चले इस हंगामे और मारपीट के बाद होमगार्ड का पैर टूट गया और दो के सिर फट गए, जबकि प्लाटून कमांडर और इंस्पेक्टर समेत कई वकील घायल हो गए। डीएम ऑफिस पर चले इस हंगामे से काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। इलाहाबाद के डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को मामले की जांच सौंपते हुए मारपीट करने वाले सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 1000 रुपए ड्यूटी का पैसा मांग रहा है, जो ड्यूटी नहीं देते हैं, जिसको कमांडेंट देता है कमांडेंट हमसे लेता है पैसा, और ये 30 ड्यूटी कुल कंपनी से मांगा और कंपनियां 100-100, 70-70 ड्यूटी चल रही है कंपनी से, जो गाड़ी पैसा नहीं दे रहा कमांडेंट, कमांडेंट से ये पैसा जो है ड्यूटी 30 ड्यूटी कुल लिया है, क्योंकि जब होमगार्ड पैसा देंगे तो उनकी ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। हंगामा कर रहे होमगार्डों का आरोप है कि उनसे ड्यूटी लगाने के नाम पर हर महीने 1000 रुपए की वसूली की जाती है। अल्मोड़ा में गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने गैस गोदाम पर छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई। इन गड़बड़ियों के मामले में गैस गोदाम के प्रबंधक से सफाई मांगी गई है। जिले में ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक सिलेंडर ही उपयोग में लाए जाएं। अगर घरेलू गैस सिलेंडर पकड़े गए तो प्रतिष्ठानों के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। मेरठ के खरखोदा इलाके में किन्नरों ने एक शख्स पर हमला कर उसका गुप्तांग काट डाला। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल शख्स को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां स्थिति नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि नूर नगर इलाके में महबूब नाचने का काम करता था। बीते दो दिन पूर्व किन्नरों ने उसे काम दिलाने के बहाने कहीं ले गए, जिसके बाद आज महबूब घायल अवस्था में एक खेत में पड़ा मिला। वहीं पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने उसे खाने में कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया था, जिसके बाद उसे खेत में फेंक दिया गया। इधर ले जाने के बाद ये फिर इन्होंने खाना खाया दूसरे कमरे में, कहीं बातचीत करी। बातचीत करने के बाद इन्होंने मेरे साथ तपाई करनी चालू कर दी। इन्होंने कहा तो हमारे साथ रहने की जान से मार देगा। इन्होंने पता नहीं क्या करा, खाने में क्या नहीं करा मेरा, ये करके मैं रात को यहाँ फेंक के चले गए। ना मन लगा हम छोड़ने का नहीं तुझे, नाचना भी चालू कर देते हम, नाचते भी थे। फिलहाल पुलिस 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई है। उन्नाव के अस्पतालों में सुविधा ना के बराबर है, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में ताला लगा हुआ है। आलम यह है, अस्पताल में ब्लड ना होने के चलते लोग दूसरे शहर जाने के लिए मजबूर हैं। जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते ब्लड बैंक में हमेशा ताला लटका रहता है। आज रक्तदान दिवस है, लेकिन आज के दिन भी अस्पताल के ब्लड बैंक में ताला जड़ा हुआ है। ये तालाबंदी का कारण ये है कि ये जो ब्लड बैंक होती है वो डोनेशन सिस्टम पर चलती है, और उसके लिए जब भी कैंप आयोजित किए जाते हैं और ब्लड कलेक्शन जो भी होता है, वो ब्लड कलेक्शन होने के बाद जो यहाँ भर्ती मरीज होते हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है, वो उसके बदले देना नहीं चाहते कतई, जिसके कारण ब्लड हमारा एक महीने ज्यादा रखा नहीं जा सकता। सीतापुर के मुंशीगंज इलाके में ससुराल वालों ने युवती को फांसी लगाकर मारने की कोशिश की। पीड़िता की चीख पुकार के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। बाद में लोगों ने पीड़ित युवती को बचा लिया। दरअसल पीड़िता खुशबू की शादी 11 मई 2012 को हुई थी। शादी के 2 महीने बाद ससुराल वालों ने खुशबू से दहेज की मांग करनी शुरू कर दी, जिसको लेकर खुशबू के साथ अक्सर मारपीट करते रहे। बीती रात खुशबू को ससुराल वालों ने जहरीला इंजेक्शन देने की कोशिश की। उसके बाद खुशबू को फांसी लगाकर जान से मारने की कोशिश की। लोग दहेज की मांग के लिए उसको जो है जला के मार डालना चाह रहे थे। मोहल्ले वालों के सहयोग से इसको किसी तरह से बचा करके जो है कोतवाली में सूचना दिया, जिस पर पुलिस ने इसकी तहरीर पर जो है प्रताड़ना का अभियोग पंजीकृत कर लिया।
वारदात के बाद पुलिस ने तीन लोगों पर केस दर्ज करके सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। आज एक बार फिर इंसान को इंसानियत की दरकार है। जी हाँ, मामला BHU के सरसुंदरलाल अस्पताल का है। यहाँ प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी से ग्रस्त एक मासूम इलाज के लिए भर्ती है। इस बीमारी को मात देने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। मौत से लड़ रहे 8 साल के आशु के इलाज का बीड़ा कुछ छात्रों ने उठाया है। छात्रों की लोगों से अपील है कि मासूम को बीमारी से मात दिलाने में लोग मदद के लिए आगे आएं। हमारा यहाँ शांत जुलूस जो है आंसू के हेल्प लिया है। जब से हम लोग को पता चला कि आंसू जो है प्लास्टिक एनीमिया से जो है प्रभावित है, और उसका एकमात्र इलाज है जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, जो कि इंडिया के 4 अस्पतालों में उपलब्ध है। मासूम के इलाज के लिए करीब 35 लाख रुपए का खर्च आएगा, जो इस मासूम के परिजनों की क्षमता से बाहर है। IPS अधिकारी और रूल्स एंड मैनुअल्स में तैनात अमिताभ ठाकुर ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा है। इस पत्र में सराय एक्ट 1867 में सुझाव संबंधी प्रस्ताव भी दिए गए हैं। IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने सुझाव दिया है कि यात्री शब्द में अन्य लोगों के साथ प्राइवेट हॉस्टल के रहने वाले और पेइंग गेस्ट को शामिल करते हुए इसे परिभाषित कर दिया जाए, क्योंकि आज लगभग प्रत्येक बड़े शहर में हजारों लोग पेइंग गेस्ट और प्राइवेट हॉस्टल के रूप में रह रहे हैं। IPS अधिकारी ने ये भी निवेदन किया है कि आज पैसे के मूल्य को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट में दी जाने वाली सजा में उचित संशोधन कराए जाने के संबंध में विचार किया जाना चाहिए। एक्ट में आज भी सजा होने के बाद मात्र 20 रुपए की सजा निहित की गई है। 20 रुपए की सजा पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद आज के समय कुल मिला के हास्यास्पद लगती है, और यह कहा गया है कि उसके बाद भी 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सजा बढ़ेगी। 20 रुपए और 1 रुपए प्रतिदिन की सजा बहुत ही कम है। इसे मौजूदा समय के हिसाब से बनाए जाने के लिए एक्ट में संशोधन किए जाने हेतु मैंने पत्र लिख के निवेदन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता NDT तिवारी ने एक बार फिर सक्रिय राजनीति में आने की अपनी इच्छा जताई है। तिवारी ने देहरादून के अपने कैंप कार्यालय से जारी किए गए एक बयान में कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो एक बार फिर राजनीति में आ सकते हैं। इसके अलावा NDT तिवारी ने उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार के 6 महीने पूरे होने पर कहा कि सूबे में विकास कार्यों में अपेक्षित तेजी नहीं देखी जा रही है। तिवारी ने कहा कि सूबे में सटीक योजनाओं की जरूरत है। तिवारी ने कहा कि वो जरूरत पड़ने पर UP और उत्तराखंड की सरकार को सुझाव देते रहे हैं। पिछले दिनों DNA टेस्ट को लेकर सुर्खियों में रहे NDT तिवारी ने इस मामले में कहा है कि इस मामले को लेकर उनके करीबियों ने उनके साथ साजिश रची है। श्रीनगर के देवलगढ़ में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल KP उनियाल इन दिनों सुर्खियों में हैं। दरअसल प्रिंसिपल ने प्राचीन काल के कई सिक्कों को इकट्ठा किया है। KP उनियाल ने 20 देशों के प्राचीन मुद्रा के अलावा भारत की मुद्रा भी इकट्ठा किए हैं। JP उनियाल स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चों को इन सिक्कों से रूबरू करवाते हैं। उत्तराखंड सरकार के चलते महिला मुक्केबाज खिलाड़ी आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मुक्केबाज खिलाड़ी प्रियंका ने पिछली और वर्तमान सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है कि उत्तराखंड सरकार की लाचार व्यवस्था के चलते उसको इनामी राशि नहीं मिल पा रही है। दरअसल एशियन गेम्स में प्रियंका ने कजाकिस्तान की खिलाड़ी को हराकर भारत को मेडल दिलाया था, जिसके बाद उत्तराखंड के तत्काल BJP सरकार ने प्रियंका को इनाम के रूप में सहायता राशि देने की घोषणा की थी। सरकार की लाचार व्यवस्था के चलते अभी तक प्रियंका को इनाम की राशि नहीं मिल पाई है। वहीं प्रियंका के कोच का कहना है कि उत्तराखंड में बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी ने टिहरी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी महारानी माला राज लक्ष्मी शाह की हो रही आलोचना पर आपत्ति जताई है। रीता ने कहा कि महारानी एक महिला हैं और इस तरह से उनकी आलोचना करना गलत है। हालांकि रीता ने महारानी को टिहरी के